परिचय। क्या तुमने कभी सोचा है कि लड़कियां लड़कों से भिन्न क्यों होती हैं? सर, लड़कियां और लड़के भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक संरचनाएं भिन्न होती हैं। हाँ, लेकिन यह भिन्नता उनके भिन्न जनन अंगों के कारण होती है। हाँ, और ये अंग पुरुषों एवं स्त्रियों में अलग अलग तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं। तुम सही कह रहे हो राहुल। आओ आज पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पुरुष जनन अंगों की पहचान करना, विविध पुरुष जनन अंगों की कार्य प्रणाली को समझना, स्त्री जनन अंगों की पहचान करना, विविध स्त्री जनन अंगों की कार्य प्रणाली को समझना, पुरुष जनन तंत्र। स्तनपायी पुरुष जनन तंत्र में निम्न सम्मिलित हैं: बाह जननेन्द्रिय, वृषणकोश, शिश्न, आंतरिक जनन अंग, वृषण, सहायक लिंग नलिकाएं, वीर्य एवं ग्रंथीय श्रावण ले जाने के लिए वाहिनी। पुरुष जनन तंत्रों के दो प्रमुख कार्य हैं: शुक्राणु निर्माण, स्त्री जनन मार्ग में वीर्य निक्षेपित करना है। वृषणकोश। वृषणकोश शारीरिक आवरण की एक थैली होती है जो निम्न प्रकार से जनन में सहायता करती है। वे वृषण जो एक थैली में स्थित होते हैं उन्हें वृषणकोश कहते हैं। वृषणकोश वृषणों के तापमान को सामान्य शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। यह कम तापमान शुक्राणु निर्माण और संग्रहण के लिए आवश्यक होता है। शिश्न। शिश्न पुरुष की बाहरी जननेन्द्रिय है जो विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो वीर्य सेचन के दौरान शिश्न के उद्घर्षण में सहायता प्रदान करता है। शिश्न का अंतिम भाग शिश्न मुंड कहलाता है जो ऊतकों की एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्रच्छिद कहते हैं। वृषण। वृषण संयोजी ऊतकों की परतों से घिरी अति कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। इन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में कोशिकाएं स्तरित होती हैं। यह कोशिकाएं प्राथमिक पुरुष लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और अन्य एंड्रोजन उत्पन्न करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पुरुष मैथुन सहायक नलिकाएं, वृषण जालिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक। शुक्राणु इन नलिकाओं में निम्न तरीके से प्रवाहित होते हैं। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर की ओर परिवहन करती हैं। पुरुष सहायक ग्रंथियां। पुरुष की सहायक ग्रंथियों के 3 समूह हैं: शुक्राशय, इनका स्राव प्रकीर्णव एंजाइम, फल, शर्करा और प्रोस्टाग्लैंडिस कैल्शियम से युक्त होता है। पुरस्थ ग्रंथियां, इनका स्राव प्रतिस्कंदक एंजाइमों और साइट्रेट से युक्त होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां, इनका स्राव शिश्न में स्नेहन प्रदान करने में सहायक होता है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। निम्न का मिलान करें। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें।
स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में निम्न शामिल है, अंडाशय यानी मादा जनद, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, वह जननेन्द्रिय जिसमें भगोष्ठ के दो सेट और योनि द्वार होता है, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां। अंडाशय, यह अंडाणु और अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करता है, स्नायुओं के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय पीठिका परिधीय वल्कुट और आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है। प्रत्येक अंडाशय विभिन्न रोमकूप अंतर्विष्ट करता है। प्रत्येक रोमकूप में एक अंड कोशिका होती है जो पुटक कोशिकाओं से घिरी होती है। अंडवाहिनी। अंडोत्सर्ग पर अंडे को अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नलिका के कीप आकृति के द्वार के निकट उदर गुहा में धकेला जाता है। अंडाशय के निकट डिंबवाहिनी की कीप जैसी आकृति कीपक कहलाती है। कीपक की झालर अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में सहायक होती है। पक्षमाभि अस्तर से होकर अंडा अंडवाहिनी से गर्भाशय तक जाता है। गर्भाशय, यह एक मांसपेशीय उल्टी नाशपाती के आकार जैसा होता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को सहारा देता है। यह ऊतकों की तीन परत का होता है। परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय ग्रीवा, यह गर्भाशय का सिरा होता है जो योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। योनि, यह पतली भित्ति वाला कक्ष होता है जहां मैथुन यानी संगमन के दौरान शुक्र संचित होता है। योनि ग्रीवा नाल के साथ मिलकर जन्मन नाल की रचना करती है। वाह जनेन्द्रिय, इनमें सम्मिलित है जघन शैल। यह वसामय ऊतकों से बनी गद्दी सी होती है जो जघन, बालों और त्वचा से ढकी होती है। वृहद भकोष्ठ, यह योनि द्वार को घेरे हुए ऊतकों का मांसल वलन है। लघु भगोष्ठ, यह वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित एक जोड़ा वलन होता है। योनिच्छद, यह संवहनीय झिल्ली होती है जो जन्म के समय से योनि द्वार को ढके रहती है और अत्याधिक शारीरिक गतिविधियों या लैंगिक संभोग के दौरान फट जाती है। भगशेफ, यह एक छोटी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। स्तन ग्रंथि, स्त्रियों का द्वितीयक यौन अभिलक्षण है, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में पाई जाती है लेकिन केवल स्त्रियों में ही ये कार्यशील होती है। स्तन ग्रंथियों के ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों से बने होते हैं जिसमें दुग्ध स्त्रावित करने वाली कूपिकाओं के गुच्छ होते हैं। प्रत्येक स्तन पाली की नलिकाएं मिलकर एक स्तन वाहिनी बनाती हैं, जो अन्य स्तन वाहिनियों से मिलकर एक चौड़ी स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है जिससे स्तन से दूध बाहर निकलता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं स्त्रियों की जर्म लाइन को कैंसर उपचार से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए स्फिंगोसाइन एक फॉस्फेट युक्त एक औषधि संश्लेषित की गई है। यह औषधि ऐसी स्त्रियों में अंडाशय की कार्य प्रणाली बहाल करने में भी सहायक है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए। पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़े वृषण, पुरुष यौन सहायक वाहिकाएं और सहायक ग्रंथियां तथा वाह जननेन्द्रियां होती हैं।
वृषण में अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जो शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। पुरुष बाह जनेन्द्रिय शिश्न कहलाती है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि, बाह जनेन्द्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि स्त्री सहायक वाहिकाएं होती हैं। स्तन ग्रंथियां स्त्रियों का एक द्वितीयक यौन अभिलक्षण है।